अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, और हम इस चैनल पर दोस्तों इमोशनल, मोटिवेशनल और इस्लामिक कहानियाँ, स्टोरियाँ और वाकयात लेके आते रहते हैं। अगर आप भी पसंद करते हैं ऐसे वाकयात, ऐसी कहानियाँ और ऐसी स्टोरियाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर ऑल पर ओके कर दें, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक फकीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा कि इंतजार कर रहा हूँ कि मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार कर लूँ। उस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये कहते हो ना कि एक बार घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा और अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे दरिया का पानी खत्म नहीं होगा बल्कि हमें ही उस पानी से पार जाने का रास्ता बनाना होगा। इसी तरह जिंदगी के काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी बल्कि हमें ही उन जिम्मेदारियों को आगे पीछे करके वक्त निकालना होगा। तो दोस्तों कहीं हमारे हाथ से भी वक्त इस सोच में न निकल जाए कि जिम्मेदारियां पूरी होगी तो हम नेकी के काम कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी अपने औकात को अल्लाह के लिए फारिग करें, वरना मौत का फरिश्ता आ जाएगा और जब मौत का शिकंजा कस लेगा उसके बाद अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अल्लाह हम सब की जायज तमन्नाओं को पूरी करे। आमीन।